Fiscal Academy. Jindabad. Jindabad. Ambedkar Fiscal Academy. Jindabad. Jindabad. जैसा आपको पता होगा, मैं इसी ग्राउंड से निकला हूं, अभी इसी ग्राउंड में दौड़कर भर्ती हुआ हूं। आज जो कुछ भी है इसी ग्राउंड की बदौलत है, इसी ग्राउंड में तैयारी करके मैं चार चक्कर मार के आज पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस आया हूं। और मैं चाहता हूं आज जहां मैं खड़ा हूं, ये जितने मेरे भाई बैठे हैं सब खड़े होना पाए एक एक करके। दिल से तैयारी करोगे सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। कोई ये मत सोचे कि आज यहाँ पर खड़े हमें खराब लग रहा है, सबका दिन आएगा, लेकिन आप चाहोगे तब। अगर आप ही नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। हमारे सेक्टर खड़े हुए हैं विपिन सर, ज्ञान सर, डायरेक्टर सौरभ शुक्ला, ये कुछ नहीं कर सकते अगर आप नहीं चाहेंगे। आपको आगे आना पड़ेगा, जब तक आप आगे नहीं आएंगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। कुंडी खटखटाओ, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, ठीक है। सफलता तो बैठी है, हम भी ऐसे आए थे तुम्हारे जैसे सपने लेकर के गांव से जब आए थे, कैसे होगा इतना बड़ा ग्राउंड, एक चक्कर कैसे लगेगा, 46 चक्कर मारने का रिकॉर्ड है मेरा इस ग्राउंड में कंटिन्यू। एक चक्कर नहीं लगता था, 46 चक्कर लगाते थे अभी तक। मैं साथ की तैयारी करने वाले भी देखो खड़े इधर, 158 800 मीटर रनर है वो नेशनल का, 1:58 में 800 मीटर रनिंग कवर करता है वो, मेरा साथ का है। ये जितने भी खड़े इधर, ये सब साथ के मेरे दौड़ने वाले हैं, किसी न किसी कोई कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, एक से एक अच्छे रेसर हैं, लेकिन इनमें एक खासियत है, ये आगे आए और अभी भी लड़ रहे हैं। तो अपनी उम्र का ध्यान रखते हुए सही कदम सही दिशा में उठाओ, सफलता तुरंत कदम चूमेगी। और इंडियन आर्मी जैसी सर्विस मुझे नहीं लगता कही होगी, 3 महीने में रिजल्ट, आज रनिंग कल मेडिकल एडमिट कार्ड और मेरिट, 3 महीने के अंदर ज्वाइन। आप यकीन नहीं मानोगे, 11 जनवरी को मेरी रेस थी, 11 जनवरी, इसी 11 जनवरी को रेस किया, 16 जनवरी को मेरा मेडिकल हुआ, 18 को मेरा एडमिट कार्ड मिला और 25 जनवरी को मैं वहां से आ गया यहाँ। 26 जनवरी को यहाँ फंक्शन था, मैंने सर से बोल दिया था कि 26 जनवरी फंक्शन में यहाँ पर अटेंड करूंगा, 25 जनवरी को मैं यहाँ आ गया। 26 जनवरी को फंक्शन अटेंड करने के बाद 27 जनवरी को पढ़ाई के लिए निकल गया, 27 जनवरी को पढ़ाई किया और 24 फरवरी को निकल आया। मुश्किल से बीच में 20 से 25 दिन मिला और 28 फरवरी को मेरा एग्जाम था। सोचो 11 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में कितना कम डिस्टेंस, और पेपर हो गया और उसके 11 मार्च के आसपास मेरी मैरिट आ गया और 14 अप्रैल में मेरी ज्वाइनिंग हुई। विद इन 3 मंथ्स में रनिंग भी हो गई, मेडिकल भी हो, एग्जाम भी हो गया और ज्वाइनिंग भी हो गई। कौन सी ऐसी सर्विस है कि आपको 3 महीने मिल जाएगी बताओ? अगर बंदा यहाँ पे लिखा है 3 माह में फिजिकल कंप्लीट कराने की फुल गारंटी, अगर बंदा मन से तैयारी करे ना तो 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा वो, अगर वो रेगुलर रहे तो। अब आप पेट दर्द पैर दर्द का बहाना नहीं, हॉस्टल में पढ़े हैं तो एकेडमी किसी को ये थोड़ी करे भाई आप ना दौड़ो, पढ़े रहो। यहाँ पर ये खड़े हैं हमारे जैसे न जाने कितने लड़के निकल गए, इनकी गाइडलाइन नहीं, जैसा कहते हैं वैसा करते जाओ, सफलता अपने आप मिलेगी। अब आप सोचोगे हम 1 महीना दौड़ लेते हम खुद ही गुरु बन गए, अरे वही एक्सरसाइज करवाते हैं वही करवाते हैं वही रनिंग, तो फिर हो गया कल्याण, कुछ इनमें बात है, इसीलिए आपको यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं। कदम उठाओ सफलता जरूर मिलेगी। और इस एकेडमी के बारे में क्या कहूँ मैं, इतने सिलेक्शन दे चुकी है पूछो ना,
यूपी पुलिस का फिजिकल हो, आर्मी की रनिंग हो, देखो पुलिस से सेलेक्टेड पीएससी के हमारे दो सर बैठे हुए, देखो पीसीएम की ज्वाइनिंग डेट आ चुकी है, वो भी आ जाए। इनके सामने में रनिंग करता था जब ये रहते थे, इनके भी डेट लड़के हमारे यहाँ से हुए थे पुलिस में, 11 लड़कियाँ थी, ओबामा रहते थे आर्मी में, तो रनिंग इतने क्वालिफाई थे। अभी जीडी के बंदों ने पेपर नहीं दिया, मेरे साथ के जीडी के बंदों का पेपर बाकी है। हाँ करम भी देखो बैठा है, ये मेरे साथ रनिंग करता था, ये जब मेरा मेरी मैरिड आनी थी तब ये भोपाल गया था। तुम्हारे बीच से ही निकल रहे हैं, इतनी भीड़ में तुम्हारे बीच से ही खड़े, हम भी तुम्हारे बीच से ही निकले हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहीं से ऊपर से आ गए, हम भी तुम्हारे जैसे मैं इसके साथ ही रनिंग करता था। आप लोग भी मेहनत करो, दिल लगा कर मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। ये कहने की बातें हैं कि बड़ा कॉम्पिटिशन है, बड़ी बेरोजगारी है, और सबसे बड़ी बात आर्मी में दलाली, 4 लाख दे देंगे करा देंगे डायरेक्ट, कोई हमसे ले आकर के हमको करवाए, कोई पैसा नहीं चलता। 4-4 दलाल मेरे पीछे पड़े थे मेरे डॉक्यूमेंट लेने के लिए पुणे में, मैंने सर को बताया आकर, मेरे डॉक्यूमेंट वहीं ले रहे थे वो लोग, और मेरे साथ के बंदों ने दिया भी था और फंस गया पैसा उनका, कुछ नहीं आया है, कोई दलाली नहीं जानती, सब पारदर्शी है। वहां पर 8 बंदे यूपी से हुए थे जिसमें यूपी मेरा पहला नंबर था, पढ़ाई करो सफलता हो, एक पैसा नहीं लगेगा पढ़ाई में, जितना पैसा लगेगा लगेगा। 4-4 लाख रुपए मेरे साथ वाले दिए, 2-2 लाख एडवांस दे दिए, लेकिन पैसा नहीं आया अभी तक, घूम रहे हैं, डॉक्यूमेंट भी जमा है, भर्तियां निकल रही हैं, एज निकल रही है, डॉक्यूमेंट ही नहीं आ रहे। तो पैसे ऐसे चक्कर मत पड़ना, अगर फौज में भर्ती कोई करा सकता है तो एक इंसान वो खुद खुद मेहनत करो, खुद पढ़ाई, आपके जो डाउट्स हैं वो यहाँ से क्लियर होंगे, गारंटी है। यहाँ के फिजिकल कंप्लीट कराने में एक भी आपका मेडिकल पॉइंट नहीं बनेगा। 2 बार में ग्राउंड फीट मेडिकल एएमसी जैसे सेंटर लखनऊ, मेरा वहाँ का भी एडमिट कार्ड रखा था, 31 जनवरी को एग्जाम था लेकिन दोनों की डेट सेम कर दी गई थी, 28 फरवरी मैंने लखनऊ का छोड़ दिया था, पुणे का दिया था, 2 एडमिट कार्ड थे, मैं 2 भर्ती क्वालिफाई था लेकिन मैंने एक का एग्जाम दिया था। ग्राउंड फीट मेडिकल एएमसी जैसे सेंटर जहां से ऑल इंडिया डॉक्टर्स जाते हैं, उसने मुझे ग्राउंड फीट मेडिकल किया यहाँ की तैयारी से, बाकी गांव में बंदे दौड़ते हैं, रेस तो बहुत मारते हैं लेकिन मेडिकल से बाहर, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि कौन सा मेडिकल पॉइंट हमारे अंदर बन रहा है। यहाँ पर उतना ही दौड़ाया जाएगा जितने में आपकी कामयाबी मिल जाए, रेसर नहीं बनाती अकेडमी हमारी, अगर आपको रेसर बनना है तो गाँव में दौड़ो आराम से रोड में, ये अकेडमी उतना ही दौड़ाती है जितने में बंदा भर्ती हो जाए बस। अगर रेसर बनना है तो बनाओ मेडिकल पॉइंट, बैक बोन टेढ़ी कर लो, फ्लैट फुट जैसे पॉइंट ले लो जो जीवन में नहीं कटने वाले, कोई दलाल नहीं कटा सकता। इस एकेडमी में वैसी रनिंग कराई जाएगी कि बंदे का एक भी मेडिकल पॉइंट नहीं बनेगा और वो बंदा भर्ती हो जाएगा, उसका शरीर कितना स्टेमिना है, कितना डोज मांगा उतनी रनिंग कराई जाएगी। मेडिकल वगैरह होता है आप लोगों का यहाँ पर? मेडिकल हुआ सर ने, मेडिकल किया है? जिसको जिसको पॉइंट मिला है वो समझ लो ब्रह्मास्त्र है, वो पॉइंट कट नहीं सकता, वो पॉइंट यही कटेगा, क्योंकि इनको पता है कि हम कौन सी रनिंग करा रहे हैं, कैसी रनिंग करा रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज करवा रहे हैं, ठीक है। तो जिसको जिसको जो जो मेडिकल पॉइंट मिला है वो सर को परेशान करो, सर ये कैसे कटेगा, कैसे सही होगा, जब तक आप सर को परेशान नहीं करेंगे तब तक सर आप पर ध्यान नहीं देंगे, ये हम जानते हैं, पीछे भागना पड़ता था इनके मेडिकल पॉइंट कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। जिसके जिसको मेडिकल पॉइंट मिला है सर से मिलके कटवा लेना, नहीं तो कल मैं रहूंगा बताना जैसा होगी देखा जाएगा, ठीक है। और इस ग्राउंड के ऑनर है पंकज मिश्रा भैया, मेरे बड़े भाई, बहुत सपोर्ट करते थे मेरा जब मैं यहाँ पर अकेले प्रैक्टिस करता था, बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन इनका कहना सही था, कहते थे कोई बने ना बने तो फौजी जरूर बनेगा, और आज आपके सामने खड़ा हूं। सबका सपना पूरा होगा, भर्ती आ गई है, 4 दिसंबर से ऑनलाइन चालू है, जितने भी रैली वाले हैं, मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। जहां पर आप बैठे हैं ये ग्राउंड आप देख लो एक बार कैसा है, वो देखो डेंजर बोर्ड लगा हुआ वहां पर, वहां से जंगल था, ये कुछ नहीं दिखाई देता था,
मैं सौरभ भैया, मेरे साथ में है 58, उसका अंकित नाम है, ऐसे 58 चलता है। और साथ में अंकित चार लोग थे, हम पंकज भैया के पास आए थे कि भैया ये जमीन हमें दे दो। तो पंकज भैया कहने लगे कि ये जमीन का क्या करोगे यार, तो बंजर है यहाँ, बहुत से कूड़ा लगा हुआ था जमाने का, बड़े जंगल बंजर जमीन, तुम क्या करोगे। तो हमने कहा हमें जमीन दे दो, हम कुछ भी करें। पंकज भैया कहने लगे यार इस जमीन में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगे, इसमें क्या करोगे मेरी समझ। हम दो दिन दौड़े, दो दिन, हमने कहा ये जमीन हमें दे दो बस। और पंकज भैया ने भी एट लास्ट हमें जमीन दी। उसके बाद से हमने 25 दिन में ये ग्राउंड जैसा इसको बनाया। मैंने ट्रैक्टर भी चलाया, ट्रैक्टर पंकज भैया ने खुद चलाया और खुद साथ में लगे रहे, जहाँ पर आप मुझे लगता है एटलीस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट के लड़के होंगे रैली वाले जहाँ बैठे हैं। इतनी बंजर जमीन थी, इतना जंगल था कि अगर यहाँ से निकल जाओ तो डर लगता था निकलने के लिए, आदमी निकलता नहीं था। हम सब लोगों ने मिलकर इसको बनाया और आज देखो कितनी कामयाबी मिल रही, कितने बंदों का भविष्य बन गया, कितनों के घर में रोशन हो गए दिए जो सपने देखते थे। हमारे जैसे लड़के गांव में माहौल नहीं है रनिंग वाला, आप लोग भी ऐसे आए। हमारे बीच में बहुत ही अच्छे सर हमारे मिल्खा सर थे, लेकिन उनका एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। वो भी बहुत मेहनत की हमारे साथ, आज वो होते तो कितना खुश होते। उनकी गंडर गाइडलाइन भी मैंने ट्रेनिंग की है। तो आप लोग मेहनत करो मन लगा करके, सब लोग गैस खास कर आप लोग भी मेहनत करो और कोशिश करो कि जल्द से जल्द सिलेक्शन दो। SSC GD आ रही है, फिजिकल तैयार करो बढ़िया। वाणी को विराम देता हूँ, सभी को जय हिंद।